आज तक आपने संभाजी नगर की वेरूळ लेनी, अजिंठा लेनी, यह नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको माहूरगढ़ के पांडव लेनी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। माहूरगढ़ को तो हर कोई जानता है। और यह है माहूरगढ़ का रामगढ़ किला, ये आप देख सकते हैं, यह उसका बुर्ज है। माहूरगढ़ के किला के भी हम हिस्ट्री अलग से वीडियो में बनाने वाले हैं। पूरा माहूरगढ़ का किला हम घूमेंगे, उसके बारे में भी पूरी जानकारी अगले वीडियो में हम लेने वाले हैं। SBI बैंक के ठीक पीछे से ही हमें बाजू से एक रास्ता है, वहाँ से जाना होता है। यहाँ पे दी जिला नांदेड़ जि... उसके पीछे से अगर गए हम तो सीधा पांडव लेनी के पास जाएंगे। पीछे हमें और भी हम जानकारी लेने वाले हैं किस रास्ते से जाना है। जैसे ही हम थोड़ा नीचे उतरेंगे बैंक से पीछे से, यहाँ पे हमें एक IIT का कॉलेज मिलेगा। IIT कॉलेज अभी नया नया बना हुआ है, माहूरगढ़ का यह IIT कॉलेज है। ये देखिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण और इसके सामने से ही हमें जाना होता है। और ठीक इसके पीछे से ही बीच में से हमें पांडव लेनी के लिए नीचे उतरना होगा, यहाँ से हम नीचे जाए। तो अभी जो है हम फाइनली पांडव लेनी जहाँ पे है वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ से हम जाने वाले हैं। ये हमारी बाइक हमने पीछे छोड़ दी है, और हमने हमारे पीछे जो है बिल्डिंग आपको दिख रही है, यह IIT कॉलेज है। और इस रास्ते से जो है हमें अंदर जाना है। बनाएंगे पूरा वीडियो, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी जो है सुबह के 9 बजे हुए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं आया होगा। ऐसे ही हमें सीधा जाना है। यह सीमेंट की पायरी जो है बना के हुए है, सीढ़ियाँ जो है हम आराम से इसके ऊपर से जा सकते हैं। बारिश में भी अगर हम आए तो हमें कुछ दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है नीचे जो है, यह है पांडव लेनी, यह इसकी बाउंड्री है जो सीमेंट कंक्रीट से पूरा वॉल कंपाउंड किया हुआ है। हम थोड़ा ऊपर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह देखिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी सुबह के 9 बजे है, मैं अकेला ही हूँ। बनाएंगे पूरा वीडियो, जानकारी लेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर। पांडव लेनी जो है बस स्टैंड, माहूर के बस स्टॉप जो है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बस स्टॉप पे उतर के हम करीब 1 किलोमीटर के बीच में ही यह आता है, और फाइनली हम पांडव लेनी के पास आ गए हैं। और यह बैरिकेड के जैसा बनाया हुआ है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे कचरा वो डालने के लिए। ये आप देख सकते हैं पांडव लेनी। कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेला ही हूँ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बजरंग राठौड़, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ से। फिर से एक बार नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं माहूर, जो हमारे तहसील के अंतर्गत आता है।
आज हम देखने वाले पांडव लेनी बनाए गए पूरा वीडियो। वीडियो को अंत तक देखिए। आज तक आपने संभाजी नगर की वेरूर लेनी, अजिंठा लेनी यह नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको माहूरगढ़ के पांडव लेनी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। माहूरगढ़ को तो हर कोई जानता है, यह हमारे हिंदू देवता जो है दत्तात्रेय भगवान का जन्म स्थान माहूर में है। माहूर में जो है रेणुका माता है, अनुसुईया माता है, मतलब हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा यह स्थान जो है माना जाता है। बात करें कि इस पांडव लेनी के बारे में, तो यह जो है राष्ट्रकूट कालीन बनाई हुई है। यहाँ पे जो पिलियर रही थे, यह जो आपको पिलियर दिख रहे हैं, यह 15 मीटर जो है हाइट में बनाए हुए हैं। इन्हीं के ऊपर जो है भगवान शंकर और पार्वती जी के मूर्ति बनाई हुई है, यह आप देख सकते हैं। अंदर हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति है। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बहुत लोगों को पांडव लेनी के बारे में जानकारी भी नहीं है। माहूर को घूमने आते हैं, माता रेणुका माता का दर्शन लेते हैं, दत्तात्रेय भगवान का भी दर्शन लेते हैं, लेकिन पांडव लेनी के बारे में जानकारी ना होने की वजह से वह यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। आप जब कभी भी आएंगे तो एक बार पांडव लेनी देखने जरूर आइए। अंदर जो है चमकादड़ जिसे बोलते हैं, यह घूम रहे हैं, देखिए आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। यह देखिए चमकादड़ है अंदर, बहुत बड़ा मतलब नक्शा जो है बनाया हुआ है। यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे भी हिंदू देवता का मूर्ति है, हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे। यह भूल भुलैया के जैसे बनाया हुआ है, यह आप देख सकते हैं अंदर अलग अलग रूम के जैसे बनाए हुए है। पिलियर बहुत बड़े वाले है। हमारे पास लाइट टॉर्च ना होने की वजह से हम ज्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं। यह चमकादड़ घूम रहे हैं अंदर। हम आपको चमकादड़ दिखाने का प्रयास करेंगे जो उल्टे लटक के रहते हैं। यह देखिए पूरे वही चमकादड़ है जो इस दीवार पे उल्टे लटके हुए हैं। हम अभी बाहर आ गए, इस साइड से भी देखेंगे। दीवालों के ऊपर लोग जो है नाम लिख के जाते हैं, लेकिन यह हमारी हिस्ट्री है, ना ही कि हमारे प्रेम कहानी लिखने की जगह है। यह हिस्ट्री है, इसको संभालना जो है अच्छी तरह से रखने का हमारा ही काम है, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं और हम जो है अपने प्रेम कहानी यहाँ पे लिख के चले जाते हैं। ये देखिए जगह जगह पे लोग नाम लिखे हुए हैं दीवार पे। माहूर अगर घूमने आएंगे तो यहाँ से
मतलब आप पांडव लेनी देख के ही जाइए। ये देखिए पूरी दीवार पे लोग पेंट से नाम लिखते हैं। यह नक्शा काफी अच्छा डिजाइन है, यह आप देख सकते हैं। राष्ट्रकूट कालीन यह बनाई हुई पांडव लेनी है। हमारे पुराने चैनल पे हमने वेरुल लेनी की वीडियो बनाया था, लेकिन वह चैनल जो हमारा डिलीट हो गया है, इस वजह से अभी हम यह नया चैनल बनाए हैं। इसलिए चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे यह हिंदू देवता की मूर्ति बनाई थी, हमें यह पहचानने में नहीं आ रही है क्योंकि अभी यह टूटी हुई अवस्था में है। अंदर भी बहुत बड़े बड़े हिंदू देवता की मूर्ति बनाई हुई है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मूर्ति है, हर एक पिलर के ऊपर मूर्ति जो है बनाई हुई है। यह देखिए यहाँ पे भी है भगवान शिव और पार्वती की यह मूर्तियाँ है। यह देखिए बहुत बड़ी मूर्ति है, इस भी पिलर के ऊपर मूर्ति बनाई हुई है, हर एक पिलर के ऊपर मूर्ति बनाई हुई है। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है जो यहाँ का जो है आकर्षण बना हुआ है शिवलिंग। ये देखिए बाहर की साइड में भी मूर्तियाँ बनी हुई है। अभी कैसा है, ज़्यादा इनके तरफ सरकार और लोगों का ध्यान नहीं रहता है तो यह टूटी हुई अवस्था में हमें मिलती है। यहाँ पे भी एक हिंदू देवता का मंदिर है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, शिवलिंग का दर्शन लेंगे। यहाँ से जो है गुफा के तरह है, यहाँ से हम जाएंगे तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। यह मूर्ति बड़ी मूर्ति है, यह शिवलिंग है। अंदर हम शिवलिंग का भी दर्शन लेंगे। ये देखिए गुफा के टाइप बना हुआ है, जो पहले के जमाने में शेर वो अंदर रहा करते थे, सेम वैसा ही है। साउंड जो है हमारा अंदर बहुत वाइब्रेट हो रहा है, घूम रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। बाकी देखने लायक जगह है, जो वेरुळ और अजिंठा को नहीं जा पाते हैं वह यहाँ पे आके पांडव लेनी देख सकते हैं। यहाँ से हम पीछे से जाएंगे। यहाँ पे अंधेरा जो यहाँ पे बना हुआ है, फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फाइनली हम घूम के आ गए हैं। तो आपको यह हमारा पांडव लेनी का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हम और अगले वीडियो में जो है हमारे माहूरगढ़ का किला, दत्तात्रेय मंदिर और परशुराम का भी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।
धन्यवाद।